अंबाला शहर में रोड पर अवैध कब्जे वाली दुकानों को रोड से नगर निगम ने हटाया। जब नगर निगम अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए दुकानों को उठा रहे थे, तभी दुकानदार ने नगर निगम के अधिकारी के खिलाफ बयान दिया कि नगर निगम के अधिकारी द्वारा उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। उनका कहना था कि दुकान को चलाने के लिए 3,000 महीना देना होगा। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो कुछ ही महीनों बाद उनकी दुकानें उठाने के लिए नगर निगम आ गया। मौके पर कर्मचारी अफसर से जब पत्रकारों ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने पत्रकारों की किसी भी बात का सही ढंग से कोई जवाब नहीं दिया और वह कैमरे के सामने भागते हुए नजर आए। समय से 1995 से काम कर रहा हूं। आपको पता नहीं था कि अवैध कब्जा आपने किया हुआ है सरकारी जमीन पर, क्या यह जायज है? सर जायज तो है ही सर, हम गरीब आदमी कहां जाएंगे साहब, बाल बच्चेदार आदमी हैं, कमाना खाना हमें आप लोगों के पास है सर। तो क्या निगम ने आपको कोई नोटिस दिया था कि आपकी यह जगह से जो खोखे है वो हटाए जाएंगे आप यहाँ? नोटिस तो नहीं आई साहब, हमारे सदस्य मिला था 2 दिन पहले कि हाँ भाई यहाँ से खोखा रेड़ी हटा लिया ना जाएगी। अच्छा। हाँ जी सर, नाम हमारे साथ नगर निगम का एक बंदा आया था जी, वो रजिंदर नाम का था, पैर से लाचार आदमी है। उन्होंने कहा कि क्या बोलते मैं 3,000 रुपये महीना दो, नहीं मैं गुंडी पवा के ले जाऊँगा उठा के। फिर मैंने उनके हाथे हाथ जोड़ा और कहा, मैं कहा भाजी मैं ऐसे गरीब आदमी, मेरे पास इतना पैसे है नहीं और मैं नहीं दे पाऊँगा। तो 3,000 रुपये आपसे किसने, राजेंद्र सिंह कौन है कमेटी में? हाँ रविंदर नाम है, रविंदर नाम ऐसे कुछ था। हाँ जी, क्या है, किस पद पर कार्यरत हूँ जी? कमेटी में रहता जी, अब ये नहीं पता कौन से कद पद पर रहता। इनको उतराई लगे हुए, इनको हटाया जाए, तो कार्रवाई हम कर रहे हैं। शिकायत किसने दी थी सर जी? शिकायतकर्ता कौन थे? हमारे पुलिस विभाग से शिकायत आई थी। पुलिस विभाग से शिकायत? इससे पहले तो पहले भी हटाए गए थे सर खोखे तो। क्या क्या शिकायत आई और आई वो भी हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। निगम जो है हर 2-4-5 महीने बाद ये सवाल उठता है कि खोखे लग जाते हैं, फिर क्यों लगते हैं? उसके बाद से पहले भी शिकायत है, ऐसी बात आएगी दोबारा कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे संज्ञान में जो मामले आएंगे उनको हम करेंगे। आज अम्बाला में पूरे इलाके में है या मानव चौक इलाके? आज इसी इलाके में